के पंडेर क्षेत्र के टिटोरा गांव की सरकारी स्कूल में गुरुवार सुबह स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। स्टूडेंट की इस तालाबंदी के पीछे पिछले 4 साल से खाली पड़ी टीचर की पोस्ट को कारण बताया जा रहा है। लंबे समय से स्टूडेंट व उसके परिजन स्कूल में टीचर लगाने की मांग कर रहे हैं। सत्र के 4 माह निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का कोर्स उस तरह से नहीं हो पाया। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में भी काफ़ी समस्या आ रही है। दरअसल टिटोरा गांव में 12वीं तक की सरकारी स्कूल संचालित हो रही है। इसमें वर्तमान में 250 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में 15 टीचर की पोस्ट है, लेकिन वर्तमान में 60 टीचर की पोस्ट पिछले 4 साल से खाली पड़ी है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में टीचर लगाने की मांग कई बार उठ चुकी है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं पाई गई है। ऐसे में गुरुवार सुबह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का गुस्सा सामने आ गया और स्कूल के मेन गेट में ताला लगा दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग अधिकारी व स्कूल के टीचर मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इधर स्टूडेंट के विरोध को देखते हुए काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।